करीब 6 महीने बाद दिल्ली मेट्रो एक बार फिर शुरू, और मेट्रो में शायद ही आपको कभी ऐसा वक्त मिले जब इतनी खाली आपको दिल्ली मेट्रो मिले। पहले आपको बता देते हैं कि इंतज़ाम किस तरीके के हैं अंदर। स्टेशन वगैरह पे सैनिटाइज होने के बाद जब आप अंदर आएंगे तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें पहले से ही ऑल्टरनेट सीटिंग के लिए ये स्टिकर्स लगा दिए गए हैं कि कोई भी एक सीट छोड़ कर लोग बैठे, इन सीट्स पर कोई ना बैठे। अगर आप खड़े हुए हैं तो कोई अगर यहाँ बैठा है, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे खड़े होने के लिए उनसे थोड़ा दूर खड़ा होना होगा, सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन करी जा सके। अब चैलेंज ये होगा कि जब पूरी तरीके से सर्विस शुरू हो जाएगी तो क्या ये सब चीज़ें हो पाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी। सर कितने दिनों बाद ट्रैवल कर रहे हैं सर मेट्रो में? 6 महीने से बंद पड़ी हुई थी, आज फर्स्ट डे आप आए हैं, तो कितना कन्वीनियंट है मेट्रो में ट्रैवल करना, कैसा लग रहा है अभी तक आपको पूरा इंतजाम देखकर? इंतजाम तो काफ़ी ठीक है मेट्रो का, अभी देखा कि बैग भी स्कैन हो रहे, वो सैनिटाइज हो रहे थे वहाँ पे, हैंड भी सैनिटाइज था और टेम्परेचर भी चेक कर रहे थे जी, काफ़ी ठीक है। संतुष्ट हैं आप? और आपको लगता है कि जब पूरी तरीके से मेट्रो सर्विसेज शुरू हो जाएंगी तो इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ों को मेंटेन करा जा सकेगा? बिल्कुल करा जा सकेगा, जिस तरह CSF वाले लगे हुए हैं, स्टाफ भी लगा हुआ है मेट्रो का, तो ये पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें मेंटेन की जा सकेगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद सरकार को थोड़ा रुक जाना चाहिए था, अभी देखा जाए तो दिल्ली के अंदर लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, 3,000 से ऊपर केस पहुँच गए हैं, तो आपको भी थोड़ा डर है इस बात का, आपको लगता है कि रुक जाना चाहिए था सरकार? सर देखो, रुक तो जाना चाहिए, लेकिन उससे फिर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है ना काफ़ी, लोगों को दिक्कत भी हो रही है, अब जो ऑफिस वाले हैं वो कैसे जाएंगे, हर किसी के पास कन्वेंस है नहीं अपना, और बसों में इससे ज़्यादा रिस्क है देखा जाए तो मेट्रो में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगा तो यहाँ थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, ज़्यादा बेटर है। चलिए आपको थैंक यू सर, आपको और ले चलते हैं आगे, क्योंकि मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ दिनेश, अगर बस थोड़ा टर्न करके दिखाएंगे, हर कोच में आपको इक्का दुक्का दो तीन लोग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, बहुत सारे लोग अभी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और आज क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मेट्रो चल रही है,